अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी काफ़ी लंबे समय बाद आ रहे हैं अमेठी में, चुनाव हारे तो उसके बाद एक बार आए थे, अब दोबारा आ रहे हैं अमेठी से, उतने उन्होंने दूरी क्यों बना ली? दूरी नहीं बनाई सर, उनके कार्यकर्ता आज भी एक्टिव हैं। अच्छा उनके कार्यकर्ता एक्टिव हैं, बड़े नेता हैं, वर्ल्ड लेवल के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत है सर। लेकिन भाजपा बोलती है कि अमेठी को राहुल गांधी को अमेठी ने भगा दिया है, नहीं तो सर, क्या वाकई ये जीत हार है सबके लिए है, होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। स्मृति ईरानी के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा वो ठीक है, वो खानदानी लोग हैं, जमाने पहले से करते आए यहाँ पे और अभी भी ठीक हैं वो। अब वो है अपनी, ऐसा कुछ नहीं है कि क्षेत्र की जनता के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी भी आज भी कांग्रेस से मोहब्बत लोगों को है और रहेगी। और तो कांग्रेस से मोहब्बत है, मेरे साथ कुछ लोग और हैं, कहाँ से हैं आप? मैं भी मौजा इटोर से हूँ। अच्छा आप भी हैं, रैली में शामिल होने आए हैं? जी हाँ, इस बार जो है हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, हम लोग उनको इंशाल्लाह जिताएंगे इस बार। अच्छा इस बार जिताएंगे, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि इस बार वो। ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है? कोई अभी मामला नहीं है, इस बार इतनी अच्छी जो रैली यहाँ जो इस बार देखने को मिल रही है, पहली बार ऐसा हम लोग रैली देख रहे हैं। अच्छा ये पहली बार है इस तरह की रैली? जी इतनी बड़ी रैली पहली बार हम लोग देख रहे हैं, पहली बार। कितने भाई साहब कैमरे के सामने? कम से कम नहीं तो 5,000 गाड़ी आप देख ही रहे हो यहाँ से लेके पूरा बोगवा जगदीशपुर। अच्छा ये सारे लोग स्थानीय हैं या कहीं बाहर से? नहीं नहीं यहीं के हैं सब। अच्छा ये सारी गाड़ियाँ स्थानीय हैं? जी अमेठी जिला के सब। हाँ अमेठी। अच्छा सारी अमेठी की है, मतलब ये अमेठी की जनता है जो राहुल गांधी का स्वागत करना चाहती है? जी जी, बहुत अच्छा काम इंशाल्लाह होगा इस बार, उम्मीद यही है, फिर देखो इंशाल्लाह आगे क्या होता है। देखिए आपका बगल का जिला है रायबरेली, रायबरेली के दो विधायक कांग्रेस के थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर ली, कांग्रेस से सब जा रहा है तो सरकार कैसे आएगी? कांग्रेस जा नहीं रही, कांग्रेस इंशाल्लाह इस बार आ रही है। अच्छा इस बार आ रही है। ऐसे लोग हैं जो सत्ता बदलते हैं, पैसे के लिए बिक जाते हैं लोग, अलग बात हो गई। अच्छा। बाकी इस बार कांग्रेस का पूरा चांस है इंशाल्लाह। लेकिन जनता बोल रही है कि राहुल गांधी ने अमेठी में जब भी 15 साल वो सांसद रहे हैं कोई काम नहीं किया। काम तो बहुत अच्छा किया है इंशाल्लाह, किसी को दिखा नहीं है, इस बार भी काम होगा, ये काम तो है राहुल गांधी का पूरा। अच्छा ये राहुल गांधी का काम है? यहाँ जो हमारे विजय पासी जी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो है यहाँ पे बंधक बनाए, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। अच्छा। उसके लिए कुछ करें। लेकिन विजय पासी जी तो विधायक नहीं है? मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। अच्छा। और मैं सलोन विधानसभा से आया। अच्छा सलोन विधानसभा से आया है, मतलब बगल के रायबरेली से। जी जी जी। ओके ओके, ये बताइए कि योगी सरकार की खामियां क्या है? हर खामियां तो बहुत ज्यादा हैं, बताइए। एक नंबर एक पे आवारा पशु। ओके। नंबर दो बिजली मीटर में इतनी ज्यादा फास्ट चल रही है कि मेरे को लगता है कि सारे मतलब जितनी राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी। अच्छा है। मतलब आप स्मार्ट मीटर से परेशान है, बिजली का बिल बढ़ रहा जी, है। बिल्कुल। और कोई समस्या? और समस्या सर जैसे डीजल की समस्या हुई, जैसे मतलब पहले 65-70 रुपए में डीजल मिलता था, आदमी को 150 रुपए में एक बीघा खेत सींच लेता था, अब वही 200 घंटे मतलब 200 रुपए घंटे प्रति घंटे पड़ रहा है लोगों को, तो किसान बहुत महंगाई परेशान है और मतलब हर समस्या से परेशान है, सरकार से पूरी तरह से फेल है योगी सरकार। अच्छा आप राहुल गांधी की तरफ से आए हैं, राहुल गांधी के लिए आपके मन में कैसे विचार हैं? सर मेरे मन में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निसंदेह वो अच्छा काम करेंगे। मोदी नहीं कर रहे? जी मोदी नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत है मोदी? सर बहुत दिक्कतें बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बताया 2,000 रुपए देते हैं, उन्होंने एक नारा दिया था मैं भी चौकीदार, आज की डेट में अगर गांव में जाके देखिए तो हर एक गांव में खेतों में चौकीदार आपको मिलेंगे टार्च लिए हुए और अपने खेत ताक रहे होंगे। अच्छा मतलब आवारा जानवरों से बहुत परेशानी है, मतलब एक तरह से उनको उन्होंने कहा था हमको सबको काम देंगे तो चौकीदारी का सबको काम दे दिया है। अच्छा सबको चौकीदार बना दिया, सबके चौकीदार बना दिया, खेतों में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। चलिए महंगाई पे रैली हो रही है, ये महंगाई के विषय में बोलिए। सर महंगाई आप सोचिए, 2014 से मोदी सरकार बनी, 2014 के पहले अगर आप एक ट्राली बालू लेते थे तो वो 1,300-1,400 रुपए की थी, आज की डेट में वही 3,500-3,600 रुपए है। मैं मोरंग की बात कर लीजिए आप, वही मोरंग 3,000-3,500-3,200 आज वही डेट में 6,500-6,600, इतनी महंगाई आसमान में उड़ रही है। अच्छा आप काम क्या करते हैं? सर मैं तो सहजन सेवा केंद्र चलाता हूँ। अच्छा सहजन सेवा केंद्र। बेरोजगारी मतलब जॉब तो कोई मिली नहीं है तो खुद की जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब आप मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो आप आत्मनिर्भर? जी जी। तो क्या मतलब ठीक ठाक कमाई हो जाती है? हाँ सर ठीक ठाक तो कमाई जो हो जाती है, बट इस महंगाई में तो नहीं चल रहा है। अच्छा महंगाई में नहीं चल पा रहा है। अब आप सरसों का तेल देख लीजिए, पहले कितना था, 110 रुपए 120 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए थे, आज की डेट में 220 रुपए है, तो कहाँ से गरीब आदमी खा पाएगा?